देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सर बताइएगा हिचकी क्यों आती है, ठीक है, तो बताता हूँ हिचकी क्यों आती है। देखिए हमारे अभी बताया था हमारे ये नली जो है, श्वास नली जो है, भोजन नली जो है, यहाँ पर ये जो है ये हमारा ये नली, इसको नली समझते हैं आप, ठीक है, ये नली है, मैं इसे बता रहा हूँ फिगर में। और तो क्या होता है आखिर जब इससे हम है ना सांस खींचते भी हैं, छोड़ते भी हैं, भोजन भी करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है आखिर इसमें जाकर हमारे नली के अंदर क्या होता है कि ये जो है यह चीज हमारे नली के अंदर जाकर यहां से जो गुजरता है एयर होता है, यानी यहां से जो होता है एयर जाता है, यानी हवा जाती है, ठीक है, और यहां जो होता है ये जो गुजर जाता है यहां से फूड यानी भोजन जाता है, समझिएगा बबुआ। तो यहाँ क्या होता है ऐसे यहाँ नली आई ऊपर से और ऐसे आपको फैल गई, यानी एक भी चला गया एयर में, एक भी चला गया भोजन में, फूड में चला गया, ठीक है। अब क्या होता है कि इंसान जब भोजन करता है तो उसका मस्तिष्क अगर भोजन पे लगा रहे तो उसको हिचकियां नहीं आती है। होता क्या है कि मान के चले कि भोजन लेकर बैठा है और दिमाग कहीं और है, गर्लफ्रेंड वर्क लगे है ना, तो उसका क्या है कि अब वो सोच रहा है उसके बारे में, भोजन चबा रहा है, तो अब क्या करेगा कि भोजन जब जाता है श्वास नली होकर हमारी नली कब जाता है पाचन प्रक्रिया में जाता है, तो भोजन जाता है तो हई होता है इपोग्लोटिस का काम है कि अरे चौराहा पर सिग्नल देता है ना, सिग्नल देता है ना जी, सिग्नल इधर जाओ, तो ये सिग्नल देने का काम करता है। अगर भोजन आया तो हई क्या होता है तुरंत इसका सिग्नल इधर गिर जाता है, यानी हवा वाला पाइप को रोक देता है और भोजन वाला को बोलता है आप इधर जाइए, भोजन वाले इधर जाइए, है ना, हवा जब सांस लेगा तो ये आकर भोजन नली को रोक देगा और सांस वाले नली को छोड़ देगा, बोलेगा एयर वाले भाई इधर जाइए, आप इधर जाइए, ये क्या करता है बताने का काम करता है, दोनों को क्या करता है बताता है। और तो दिमाग वा कहीं और है, अब भोजन मार ठुसले पड़ा हूँ अंदर लेकर, हाँ अब दिमाग कहीं और है कि हाँ कौ बजे सिवान जाना है, वहां से किस तरह भागना है, हाँ, तो अब क्या होता है कि अब ये इसका दिमाग काम नहीं करता है कि भाई भोजन आ रहा है हम किधर छोड़े घंटी मारता है, लेकिन आपका दिमाग कहीं और है, बस अब क्या होता है इधर से उठ कर भोजन वाले को गिराता है, ले अब भोजन क्या होता है तुरंत हवा वाली नली में घुसता है, अब जैसे घुसता है तो अब चावल जो है अब इसमें घुस गया, अब इसमें जैसे हवा वाला नली में घुसा तो अब फेफड़ा देखेगा नीचे से, अरे बाप रे हो चावल आवा था, अब 100 मिल का करगा मारते ला के हिल जाओ, जैसे फेंकेगा इसे तो क्या करेगा अब नाक दाल सब नाक पर भी चावल निकल जाता है कभी कभार, ठीक है, तो क्या करेगा एयर का काम नहीं है जोर लगा के सब बॉडी को कहता है सुन हो तो भोजन आ रहा है, और सब लगा के कहता मार है ना, दम लगा के हाँ फेंक इसको, अब क्या होता है अब फेंकता है तुरंत, अब तो दिमाग आता है, गाँव के लोग क्या कहता है कि वो याद करो तक अरे पगला याद तो तू कर रहा है तू थोड़ी ना कर रहा है, यही इसी प्रकार से क्या होती है हिचकियाँ आती है। तो हम भोजन जब करते हैं तो हमारी दिमाग जो है सटीक होना चाहिए, भोजन की तरफ होना चाहिए, ना कि कहीं और होना चाहिए, अगर कहीं आपका और दिमाग है, क्योंकि दिमाग ही भोजन पहुंचाने का कार्य करता है, ये बेचारा तो सिग्नल देता है भोजन वाले भाई इधर जा, हवा वाले भाई इधर जा, अब कभी रास्ता भुला कर घुसेड़ जाता है उसमें तो एकदम तैयार बड़ा सा एयर वाला लाठी लेके फेफड़ा वाला अब ठकेल दम चल जाइए होने, है ना, तो ये क्या होता है बाहर निकल जाता है, ठीक है, टॉपिक समझ में आया, इसी के कारण हाँ मानव की हिचकी आती है। आपका आज बायोलॉजी की क्लास था और ये जो आपकी आज की क्लास कैसी लगी इस चैनल पे कमेंट सेक्शन में आप लिख कर बताएंगे और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर ऐसे